Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 3. We will continue after our chapter 8. Who is heavier? Who is heavier? में बहुत सारी चीजें हमने की हैं. आज हम next जो है हमारा topic जो है आज का वो है guess which of the following things weight more than 1 kg and less than 1 kg. आगे के period में previous period में हमने देखा था guess the weight of the following. जिसमें एलिफेंट का बैग, डॉगी का बेबी था, मैंगो था, तो वो सारी चीजें का वेट एप्रोक्सीमेट कितना होता है वो हमें सिर्फ गेस करना था. फिर उसके आगे एक टॉपिक था कि हम घर में जो भी थिंग्स लाते हैं, डेली यूज की थिंग्स जो लाते वो कितने उसका वेट कितना होता है वो भी हमें अप्रोक्सीमेटली लिखना था. कि हम राइस है तो वो कितना के जी, अगर पूरे साल के लिए हम करते हैं लेते हैं तो वो 25 kg या 30 kg होता है. अदरवाइज हम मंथली लेते हैं तो आई थिंक 3-4 kg या फिर 5 kg तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फैमिली. अगर फैमिली जितनी बड़ी है तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए, फैमिली छोटी है तो कम चीज़ें चाहिए. यहाँ पर भी आज का टॉपिक है कि जो भी थिंग्स आपको दी गई है उसका वेट लेस देन 1 kg होगा या मोर देन. हमारा चैप्टर जो है वो वेट की बेस पे है तो इसलिए यहाँ पे वही चीज आएगी कि क्या यहाँ पे है कि योर स्कूल बैग, आपकी स्कूल बैग जो है वो मोर देन 1 kg होगी. आपको पर्टिकुलर वेट करके उसको मेंशन नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है कि वो मोर देन 1 kg होगा या लेस देन 1 kg. अगर यहाँ पे भी आप देखने जाओ कि योर स्कूल बैग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेस देन 1 kg, बट आपको खाली बैग का वेट नहीं, स्कूल बैग दैट मीन्स उसमें बुक्स होगी. ओके, स्कूल बैग जो होती है तो आपकी बुक्स होती है, लंच बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो 1 kg से ज़्यादा ही होती है. इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 kg. यहाँ पे लिखना है आपको मोर ओके. फिर नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, सेकंड ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जो आपका कंपास बॉक्स होता है उसे ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं. ओके, तो ज्योमेट्री बॉक्स दैट मीन्स कंपास बॉक्स, तो वो क्या 1 kg से ज्यादा वेट होता है उसका या कम होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 kg. क्या आंसर आएगा, लेस देन 1 kg. ओके, 1 kg से कम होगा उसका. अभी यहाँ पे थ्री नंबर जो है वो है अ ब्रेक, अ ब्रेक. ब्रिक मतलब क्या, ईंटे. ओके, ईंट जो होती है जिससे हम वॉल बनाते हैं, तो उसका वेट कितना होगा, मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg. तो आप उठा के देखना तो पता चल जाएगा कि कितना होता है. ओके, तो वो मोर देन यहाँ पे 1 kg. ओके, तो वो 1 kg से तो उसका वेट ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 kg. आंसर आएगा मोर देन 1 kg. फोर नंबर में है अ बिग पंपकिन. ओके, तो पंपकिन जो होता है वो वेजिटेबल, बिगेस्ट वेजिटेबल में आता है. ओके, वेजिटेबल सारे उसमें से भी बिगेस्ट वेजिटेबल का अगर नाम पूछा जाए तो वो आएगा पंपकिन. तो पंपकिन वाटरमेलन की तरह इतना बड़ा होता है इसलिए उसका वेट 1 kg से ज्यादा ही होगा, 1 kg से कम नहीं होगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 kg. देखो इस तरह से मोर देन या लेस देन ही लिखना है आपको, कोई उसका वेट करा के फिर वो पर्टिकुलर नहीं लिखना है कि 1 kg एंड 250 ग्राम या ऐसा कुछ नहीं लिखना है. बहुत सारे स्टूडेंट वो चीज भी करते हैं वर्कशीट में, इस तरह से मेजरमेंट करने जाते हैं या पता नहीं, तो वो भी वो लोग करते हैं, तो वैसा नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ हमें
more than 1 kg है या less than 1 kg है, okay? Your pair of slippers, your pair of slippers. Sorry. आपकी स्लीपर हो उसका वेट तो वो इतनी हैवी नहीं होती है, ओके? स्लीपर जो होती है वो लाइट वेट ही होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 kg, ओके? देन नेक्स्ट मैं एक्स्ट्रा भी थोड़े से लिखा देती हूँ, ओके? तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6 नंबर न्यू बॉर्न बेबी. न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो छोटा सा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है एकदम से छोटा सा, तो उसका वेट क्या 1 kg से ज्यादा होता है या कम होता है? तो ज्यादा ही होता है, ओके? वो 2-3 kg तक तो होता है, 3.5 kg तक का बेबी होता है. यहाँ पे आंसर आएगा मोर देन 1 kg, ओके? फिर 7 नंबर 1 apple, ओके? एप्पल, एक एप्पल है सिर्फ, एक ही एप्पल, तो वो कितना होगा? लेस देन 1 kg. यूनिफॉर्म का अगर वेट करने जाओगे तो जो मतलब उसका कपड़ा होता है ना, ये यूनिफॉर्म है तो वो हल्का होता है, तो वो मोर देन 1 kg तक नहीं होगा, वो लेस देन 1 kg आएगा, ओके? लेस देन 1 kg. फिर 10 नंबर वाटर जो है तो वो अगर भरी हुई है तो वो कितनी हो जाएगी, मोर देन 1 kg, बट एम्प्टी है तो कितनी होगी, तो यहाँ पे आप मोर देन भी लिख सकते हो एंड लेस देन भी लिख सकते हो. तो डॉग जो है वो मोर देन 1 kg होगा, 1 kg, एंड कोई भी बर्ड है तो बर्ड का वेट मोर देन 1 kg होगा, पैरट है तो उसका 1 kg से ज्यादा वेट होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 kg, ओके? तो इस तरह से आपको सारा टेक्स्ट नोटबुक में लिखना है. मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारा टॉपिक क्या है, गेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kg एंड लेस देन 1 kg. फर्स्ट है योर स्कूल बैग, तो आंसर आएगा मोर देन 1 kg. जियोमेट्री बॉक्स, तो लेस देन 1 kg. ब्रिक, मोर देन 1 kg. अ बिग पंपकिन, मोर देन 1 kg. योर पैर ऑफ स्लीपर,
तो लेस देन 1 केजी। देन नेक्स्ट है 6 है ऊपर पे न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी कितना होगा मोर देन 1 केजी। 1 एप्पल है तो लेस देन 1 केजी। 10 पोटैटोज है तो मोर देन 1 केजी। यूनिफॉर्म तो लेस देन 1 केजी। फिर वाटर बॉटल मोर देन 1 केजी, अगर यहां पे आप लेस देन 1 केजी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एम्प्टी बॉटल का आप देखने जाओगे तो वो लेस देन ही होगा। ओके फिर डॉग तो मोर देन 1 केजी एंड पैरट तो वो आएगा लेस देन 1 केजी। तो आप इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको वेट बैलेंस करना समझ में आएगा, है ना, कि कौन सा वेट किसका वेट ज्यादा होता है किसका कम होता है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 120। तो यहाँ पे यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, कौन सी थिंग हैवियर है वो आपको लिखना है। मैं इस साइड का रब करूंगी, आई होप आपने इस साइड का लिख लिया होगा। मैं ये साइड का रब कर रही हूँ, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन इस साइड का रब करूंगी। ओके तो यहाँ पे है एक नया टॉपिक कि दो चीजें आपको दी हुई है उसमें से कौन सा थिंग हैवीएस्ट है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है Max book
पहले ये होता है वर्ब से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्पॉट इज हेवियर. ओके देन फाइव नंबर grapes or water melon. Okay, तो यहाँ पे आंसर आएगा water melon. Water melon is heavier. Okay, next sixth number. ये आपको practice हो इसलिए मैं कराती जा रही हूँ. Okay. कि आप इजीली सारी चीजें समझ पाओ. ओके अभी नेक्स्ट है बेंच और टेबल. बेंच और सॉरी स्टूल लिख देते हैं, टेबल और बेंच आई थिंक सेम होता है. एफ स्टील डबल स्टूल, बेंच और स्टूल तो क्या हेवी होगा, बेंच, क्योंकि स्टूल का वेट थोड़ा कम हो जाएगा, बेंच बड़ी होती है तो वो हैवी हो जाएगी. तो यहाँ का आंसर आएगा बेंच इज हैवियर. ओके नेक्स्ट सेवन नंबर चॉक और डस्टर. चॉक और डस्टर तो क्या है, वो होगा डस्टर. चॉक तो एकदम लाइट वेट होता है, यहाँ पे आंसर आएगा डस्टर इज हैवी. ओके तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैं करा रही हूँ आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए. ओके तो यहाँ पे फर्स्ट है वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल, तो आंसर आएगा क्रिकेट बॉल इज हैवियर. योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, तो माई शू इज हैवियर. फिर योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, तो माई मैथ्स बुक इज हैवियर देन हिंदी बुक. ओके तो नेक्स्ट है फोर नंबर पॉट और मग, तो पॉट हैवी होगा, मग छोटा होता है जिसमें हम मिल्क पीते हैं या टी पीते हैं या कॉफी, तो वो जो होता है वो पॉट से छोटा होता है और उसका वेट भी कम होगा. नेक्स्ट है ग्रेप्स और वाटरमेलन, तो ग्रेप्स अगर हम ऐसा बोले कि 1 kg ग्रेप्स एंड 1 kg वाटरमेलन, तो दोनों का 1 kg तो सेम होगा, बट यहाँ पे हमें ऐसे ही समझना है. तो यहाँ पे ग्रेप्स वाटरमेलन से कम ही होती है, एक वाटरमेलन के वेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी ग्रेप्स आ जाएगी. ओके द नेक्स्ट है बेंच और स्टूल, तो बेंच इज हैवियर. फिर नेक्स्ट है चॉक और डस्टर, तो आएगा आंसर डस्टर. ओके अभी नेक्स्ट है यहाँ पे वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 bags. यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट. तो आपको अभी क्या करना है, एक पॉलिथीन लेनी है और उसमें सैंड या फिर सैंड मतलब रेत एंड मड या फिर मिट्टी कुछ भी सॉइल लेके उसे भरना है दोनों साइड इक्वली. और आपके घर में अगर मेजरमेंट के लिए कुछ है तो वो मेजर करना है दोनों को कि वह हाफ हाफ केजी करना है ना, कि अगर 1 kg आप लोगे तो उसका हाफ पार्ट कितना होगा, तो हाफ केजी दैट मीन्स 500 ग्राम. ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ केजी वेट, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू. ओके मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ केजी. तो हाफ केजी ऐसी थिंग्स के नेम लिखने हैं जिसका वेट लेस देन हाफ केजी होता है. तो मैं वो करा रही हूँ, तो इस साइड का मैं पहले रब कर दूंगी. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जिसका वेट हाफ केजी से कम हो वैसे थिंग्स के नाम लिखना. तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं नेक्स्ट लिखा रही हूँ. Thank you.
Her thin weighing less than half kg. Grocery shop, have a look at the weight they use.
ओके तो जो आप जाओगे तीन आपको अलग अलग प्लेस पे जाना है, तो जो जंक डीलर होता है मतलब कबाड़ी वाला जो होता है उनके पास किस टाइप का वजन होगा वेट का वेट करने के लिए, फिर जो वेजिटेबल वाला है उसके पास किस टाइप का होगा एंड जो ग्रोसरी वाला है उसके पास किस टाइप का होगा। तो यू हु यूज द बिगेस्ट वेट, तो कौन बिगेस्ट वेट यूज करता है, तो जो नॉर्मल वेजिटेबल वाला है उसको बिगेस्ट वेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो दूसरे है जंक सेलर है वो कितने पास 5 kg 10 kg इतना वेट होता है तो उनके पास बड़ा वेटिंग का मेजरमेंट के लिए यूज होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे गैस सिलेंडर को मेजर करने के लिए इस तरह का एक होता है मेजरमेंट। नेक्स्ट है ऐसे कि ग्रोसरी वाला जो होता है जो सीड्स ग्रेन सारे सेल करता है उसके पास, फिर वेजिटेबल एंड ये जो स्पीक्स वाले होते हैं। तो अभी तो बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वेट आ गया है, वेटिंग करने का मशीन आ गया है, बट बहुत अभी भी वेजिटेबल वाले पुराने वाला जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो उसको किस तरह से मेजर करते हैं वो लिखना है, हु यूज द बिगेस्ट वेट। थैंक यू सो मच।